Audio Jungle. सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है, मैं ब्लॉक लॉ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूं। सर मैंने 12वीं पास किया था, 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेतीबाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी, तो फिर 2013 में एनआरएलएम स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो उसके बाद मैंने एनआरएलएम से जुड़कर ही लोन लिया, तो वहां से मैंने एक गाय लाई, तो और अपने आसपास के घरों में देखा कि गांव में गाय पालने का काम आम है, तो वहां देखा मैंने कि जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद कुछ दूध बचता है जो जाया होता है, तो इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहाँ पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूँ और दही भी बनाती हूँ और मैं चीज भी बनाती हूँ। सर इसमें एक खास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोजगार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा, जैसे मेरी बहनें उनको जोड़ा जहाँ से मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। और वहाँ पे अभी मिला होगा आपके कारण। जी सर मैंने अपने साथ 5-6 बंदों को जोड़ा है, उसके अलावा अपने। अच्छा आप मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात यह है सर कि जो हमारा दूध वहाँ से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है, जिसकी उसकी सेहत ठीक रहती है सर। अच्छा मार्केट मिल जाता है आपको? सर मार्केट इजी से आज मिल जाता है क्योंकि ऑनलाइन। अच्छा, आपने जो पैकेजिंग की पद्धति अपनाई है जरा उसके विषय में भी बताइए। सर जो हम पैकेज करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, इसको कैसे बॉईल करें, इसको कैसे चिल करें, फिर इसके बाद इसको पैकेट्स में कैसे डालें, फिर कैसे क्रेट्स में डालें, फिर कैसे इसको मार्केट में डिलीवर करें, क्योंकि ये जो हमारा दूध है इसकी जो लाइफ है 2 से 3 घंटे रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद ये फट जाता है, तो इस दौरान हम देखते हैं कि क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दूध अवेलेबल है जो प्रिजर्वेटिव है, जिसको 2 दिन भी निकलते हैं, 1 दिन भी निकलता है, तो पहले पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने समझा, लोगों ने ये दूध इस्तेमाल किया तो उनको पता चला कि सही क्वालिटी क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। हमीदा जी आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो, भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है, आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो, आप एनवायरमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो, अरे एक साथ आप अनेक काम कर रही हो, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं आगे का कार्यक्रम आप बताइए अब मुझे क्या करना है। सब हम बड़े